हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मला किचन। आज हम बनाएंगे मैगी मसाला डोसा। मैगी मसाला डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने मैगी बना के रखा है, ये देखिए मैंने मैगी मसाला लिया था, मैंने पूरा पैकेट बनाया है। इसमें दो मसाले पैकेट्स आए थे, एक पैकेट मैंने इसमें यूज़ किया है और एक पैकेट मैंने इसमें रखा है अभी यूज़ करने के लिए। तो हमने मैगी बना के रखा है, एज यूजुअल हम बनाते हैं वैसा ही ड्राई बनाना है। नमक, ऑनियन, कैप्सिकम, मैगी मसाला और मैंने मैगी क्यूब मसाला लिया है ये पैकेट, जो पहले भी मैंने यूज़ किया था। ये देखिए, इसका मैंने पुलाव भी अपलोड किया है वीडियो। लाल मिर्च पाउडर, स्प्रिंग ऑनियन, बटर और गोभी पत्ता बारीक चॉप किया है, सेजवान चटनी, रेड चिली सॉस, टमेटो सॉस और मैंने इडली का बैटर लिया है, जो मैंने सॉफ्ट इडली का बैटर का मेथड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। सेम मेथड में मैंने किया है और थोड़ा पतला रखा है, इतना पतला है। देखिए फ्रेंड्स, गर्म हो गया है, हमें थोड़ा थिक ही रखना है, पतला नहीं करना है। स्लाइट होने दीजिए, पत्ता को भी डालेंगे। कैप्सिकम आपको ज़्यादा कम जो डालना है आप डाल सकते हैं। ऑनियन, मैगी मसाला, मैगी क्यूब, नमक डालेंगे थोड़ा, लाल मिर्च पाउडर, सेजवान चटनी, रेड चिली सॉस, ये भी आप ज़्यादा कम डाल सकते हैं। थोड़ा टमाटर सॉस डालेंगे, बटर, थोड़ा मैगी डालेंगे, ये भी आप ज़्यादा कम डाल सकते हैं। मिक्स करना है हमें, अब हम इसको एक मिनट के लिए या आधा मिनट या एक मिनट आप ढक के रख सकते हैं। देखिए एक मिनट हो गया है,
अब हम इसको स्प्रेड करेंगे। अब हम स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे ऊपर। अब एक किनारी निकल गई है अपनी, डोसा हो गए बन गया है। अब हम इधर से टर्न करेंगे। गैस हमारा स्लो ही है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। ये देखिए, अब हम पिज्जा कटर से कट करेंगे। स्लोली करना है हमें। फ्रेंड्स, अब इसको हम स्प्रिंग ऑनियन से स्लाइटली ऐसे सजाएंगे। और चटनी के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैगी मसाला डोसा रेडी है। आप इसको जरूर बनाइए, गरम गरम सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। खाने में बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।